नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये छोटा सा वीडियो MT4 फॉर बिगिनर्स, जो नए लोग हैं वो MT4 का सेटिंग कैसे करते हैं, चार्ट ओपन कैसे करते हैं, कैंडलस्टिक उसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बेसिक बाई सेल कैसे करते हैं, तो ये बेसिक पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही शॉर्टकट पे होगा, जो हम बिगिनर्स हैं, जो शुरू में हमें चाहिए होता है, बस उतना ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा एडवांस में, हम उसमें और ज़्यादा कैसे एनालिसिस करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें MT4 डाउनलोड करना पड़ेगा। डेमो ही कर लीजिए शुरू में, जो आप नए हैं डेमो से स्टार्ट कीजिए और ट्रेड का तरीका सीखिए कैसे करते हैं। कल से मैं आप लोगों को डे ट्रेडिंग का सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप डेमो में ट्राई कीजिए एक हफ्ते तक और रिजल्ट देखिए कैसा मिलता है। आप अगर संतुष्ट होते हैं तो ही आप रियल ट्रेडिंग कीजिएगा। तो हम डाउनलोड करने के लिए, MT4 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जाएंगे easytradingtips.com। यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद ये ब्रोकर्स हैं, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स, इसको क्लिक कीजिए। जो वर्ल्ड के टॉप ब्रोकर्स हैं उनका मैंने यहाँ पर लिस्ट रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये टॉप 10 ब्रोकर्स हैं, इसमें से आप किसी भी ब्रोकर से ओपन कर सकते हैं। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये जो टॉप 4 है FXTM, Hot Forex, XM और IC Markets, तो इनमें से आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक एनालिसिस करके, 15 मिनट का एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट IC Markets होगा। उसमें भी हम ECN, ट्रू ECN अकाउंट ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर अभी मैं आपको IC Market का दिखाता हूँ। कल से मैं ये IC Market का फॉरकास्ट रखूँगा, 15 मिनट्स का एनालिसिस करके आप यहाँ ट्रेडिंग सिग्नल में देख सकते हैं। तो आज हम IC Market में डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और MT4 डाउनलोड करके सेटअप कैसे करते हैं उसे वो सीखेंगे। तो आप यहाँ जाइए, IC Market में जाने के बाद आप ट्रेड नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से फर्दर मैं आपको बहुत ही फॉरवर्ड करके वीडियो 2 मिनट में मैं डाउनलोड करने के समय तक 2 मिनट में मैं कंप्लीट करता हूं। तो यहां से मैं थोड़ा फास्ट करता हूं। ट्रेड नाउ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक कीजिए। यहां पर हमें अपना डिटेल रखना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहां पर रखना होगा, फिर एड्रेस रखिए, आई वॉज रेफर्ड बाई एन इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, इसको टिक कीजिए, ये रेफर आईडी आ जाएगा मेरा। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये रेफर आईडी का बेनिफिट क्या होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। अब यहाँ पर आपको MT4 Metatrader 4 पर टिक करना है, ट्रू ECN को कीजिए, USD करेंसी सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। यहाँ इंटरमीडिएट कीजिए, सिलेक्ट एक क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सेप्ट एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से अपना आईडी अपलोड कर सकते हैं और राइट साइड से आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए। ये हमारा जो ईमेल दिया था उस पर हमारा लॉगिन डिटेल भी आ गया है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम वही होगा जो हमने ईमेल एड्रेस दिया था। इसको हम एक बार लॉग आउट करते हैं और लॉगिन करके देखते हैं। हमने ये यूजर नेम को कॉपी किया ईमेल को, फिर क्लाइंट लॉगिन पर जाकर हमने यूजर नेम पर पेस्ट किया, उसके बाद पासवर्ड हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये हमें टेम्प्रोरी पासवर्ड देगा, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, लॉगिन कर दीजिए। ये देखिए लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ पर
अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप यहां से लाइव अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ओपन ए न्यू डेमो अकाउंट भी कर सकते हैं। तो हम डेमो अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4 होगा, अकाउंट टाइप ट्रू ECN होगा, करेंसी USD और लीवरेज 1:300 कर लीजिए। और आपका ये बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस हम 200 करते हैं क्योंकि हम इसमें ट्रेड करते हैं ECN, ट्रू ECN पे, तो हमारा 200 बैलेंस मिनिमम रखना पड़ता है। तो आज हम ये लाइव की तरह ही ट्रेड करके सीखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 200 मिनिमम USD रखते हैं। आप मैक्सिमम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड कीजिए। यह हमारा डेमो अकाउंट ओपन हो गया है। हम यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और मेटाट्रेडर 4 यानी MT4 डाउनलोड करते हैं। ये कहाँ रखना है ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया, जो MT4 है वो डाउनलोड हो गया है। आप यहां पर ईमेल पर जा सकते हैं और MT4 का लॉगिन डिटेल वहां से देख सकते हैं। ये MT4 लॉगिन हो गया, ये पासवर्ड हो गया और ये सर्वर होता है, ये हमें ज़रूरत होगा डिटेल, इसको हम कॉपी करते हैं। और उसके बाद अब हम डिटेल में बात करते हैं, हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे और सेटिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है MT4 ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद इसे हम डबल क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना। यस कर दीजिए, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, यस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं करना है यहां पर, नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इसे फिनिश कर देते हैं। ये मेटा एडिटर 4 है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए। और ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है, ये यहां पर डाउनलोड हो गया। अब हम इसे लॉगिन करेंगे, उसके लिए यहां डबल क्लिक करेंगे और लॉगिन का डिटेल हमने यहां पर कॉपी किया था वो यहां पर है, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा लॉगिन का डिटेल है। अब हम इसे ओपन करते हैं, इसको डबल क्लिक करके हम MT4 ओपन करते हैं। ये स्कैन कर रहा है, स्कैन करने दीजिए। अब हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर ये हम काट देते हैं और देखते हैं लॉगिन कैसे करते हैं इसे। ये यहाँ पर हमारा जो लॉगिन का ये आईडी है और पासवर्ड है ये मांग रहा है, हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन इसे लॉगिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं वो देखते हैं। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैंने स्क्रीन छोटा करके रखा था ताकि आपको क्लियर नज़र आए, इसलिए मैं इसे थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हैं मेटाट्रेडर 4 IC मार्केट्स यूरो USD M1, एक मिनट का यूरो USD का यहाँ पर चार्ट फर्स्ट में ओपन है वो दिखा रहा है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4 चार्ट्स हैं, तो हम इसमें से 3 चार्ट्स को डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम सेटिंग करेंगे चार्ट का, फिर उसके बाद मल्टीपल चार्ट्स हम ओपन करेंगे। ये हमने 3 चार्ट्स को डिलीट कर दिया। उसके बाद ये नेविगेटर है, इसे भी आप यहाँ इनटू में क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप इसे भी क्लोज कर दीजिए। ये उसके बाद ये जो चार्ट है यूरो USD का, इसे हम यहाँ पर मैक्सिमाइज करके जूम कर देते हैं। ये चल नहीं रहा है क्योंकि हम अभी लॉगिन नहीं हैं। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कॉर्नर में फाइल है, यहाँ जाइए। यहाँ जाने के बाद लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, इसको क्लिक कर लीजिए। अब वही यहाँ पर बॉक्स आया है जो पहले आया था। अब हम यहाँ लॉगिन पर हमारा जो आईडी मिला था हमें वो कॉपी करेंगे, लॉगिन लिखा हुआ है उसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर दिया। ये लास्ट में स्पेस ना रहे आप इसे देख लीजिएगा, अगर स्पेस रहता है तो ये फिर लॉगिन नहीं होगा। और ये जो
पासवर्ड मिला है बाय डिफॉल्ट, उसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ जो पासवर्ड है उसमें हम कंट्रोल वी या पेस्ट कर देते हैं। और जो सर्वर है हमें यहाँ पर आईसी मार्केट डैस डेमो 01 ये सर्वर मिला है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने भी यही दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ से डेमो का 1, 2, 3 है, हमें 1 का मिला है तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप लाइव ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर लाइव का 1 से 18 तक जो मिलेगा वो सिलेक्ट करना है। अभी हमें यही मिला है आईसी मार्केट डैस डेमो 01, तो ये हम 01 को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये टिक है, टिक नहीं रहता है तो टिक कर दीजिएगा, आपको बार बार लॉगिन करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपका लॉगिन हो जाएगा और जब भी आप ओपन करेंगे आप लॉग्ड इन रहेंगे। ये हमने लॉगिन कर लिया, अब ये यहाँ पर ये देखिए लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ पर लाइव आप अपडेट देख सकते हैं, ये बीड और आस्क है जो हम बाई सेल करते हैं उसका बीच का जो स्प्रेड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इसको हम यहाँ से काट देते हैं और पहले सबसे पहले हम ये चार्ट है इसको हम यहाँ से थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले आप यहाँ पर कर्सर रखिए और आपका माउस का राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद जो ग्रीड है इसको हटा दीजिए और ये जो मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट रहता है 14 पीरियड का इसको भी हम यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर रखेंगे जहाँ आपको मूविंग एवरेज दिखाएगा वहाँ राइट क्लिक कीजिए और डिलीट इंडिकेटर में डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है बाय डिफॉल्ट, आपका ये ग्रीन और वाइट कैंडल दिखेगा, अप का ग्रीन होगा और डाउन का वाइट होगा, तो इसे हम ग्रीन और रेड बनाएंगे ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन है बीच में कहीं भी रखिए कर्सर को और राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पर जाइए और इसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कॉलर्स होगा और कॉमन होगा तो हम यहाँ पर कॉलर्स पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चेंज करेंगे आपको यहाँ दिखेगा। ये बार ऑप अभी लाइम है, यानी ये जो बार ऑप है ये ग्रीन जैसा है लाइम कलर का है, हमें यही चाहिए। ठीक है, बार डाउन यहाँ पर क्या है, लाइम है। बार डाउन यानी ये जो बार है डाउन का रेक्टेंगल जैसा है बार है वो लाइम है, तो हम इसे रेड करेंगे, बार डाउन को रेड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेड हो गया। उसके बाद ये बुल कैंडल है ये ब्लैक में है, यानी ये जो अप है बुल कैंडल है ये बीच में देख सकते हैं ब्लैक है, तो हम इसको ग्रीन करेंगे यानी लाइम करेंगे। लाइम में थोड़ा अच्छा दिखेगा, आप ग्रीन भी कर सकते हैं, थोड़ा डार्क दिखेगा ग्रीन में, तो ये आप यहाँ लाइम कर लीजिए। आप देख सकते हैं अप में ग्रीन जैसा हो गया। और जो ये बियर कैंडल है वाइट है, यानी जो ये डाउन कैंडल है वाइट है, इसको हम रेड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गया, कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको लाइम करना है, डाउन को रेड, दो रेड दो लाइम करना है, बस इतना करना है। ओके कर दीजिए। ये देखिए अब हमें ये कैंडल्स अच्छे दिखने लग गए। अब यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट, यानी ये अभी छोटा दिख रहा है थोड़ा, तो हम यहाँ से इसे क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा ये जूम आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये जो हमारा आइटम्स है इसको हम मिलाते हैं। पहले आप ये जो टाइम है टाइमिंग का है 1 मिनट्स M1, 1 मिनट, 5 मिनट्स M5, M15, 15 मिनट्स हो गया, इसको हम यहाँ पर जो आप यहाँ लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए अपना माउस का और इसको राइट से ड्रैग करके यहाँ पर रखते हैं। उसी तरह इसको भी आप यहाँ लेफ्ट क्लिक कीजिए यहाँ रखते हैं, थोड़ा चार्ट बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं हमें दिए हैं, ये थोड़ा ढक गया तो इसको हम थोड़ा इधर लाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें यहाँ से नहीं चाहिए उसमें से, ऐसे तो हमें बहुत नहीं चाहिए लेकिन हम कुछ 2-3 हटा देते हैं ताकि हमारा यहाँ स्पेस बन जाए। तो हटाने के लिए आप यहाँ पर जो एरिया का आप जो
मेनू हटाएंगे, जो ऑप्शन हटाएंगे, जो आइटम्स हटाएंगे उस पर आपको क्लिक करना है। हम इधर का हटाएंगे, हमें जो नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद कस्टमाइज पर जाते हैं और जो नहीं चाहिए, ऑटो ट्रेडिंग हमें नहीं चाहिए, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रजिस्टर और सिग्नल ये भी नहीं चाहिए, हम इसे हटा देते हैं। रजिस्टर ए वर्चुअल सर्वर ये भी नहीं चाहिए, हम इसे हटा देते हैं। मेटाट्रेडर ये भी नहीं चाहिए, अभी हम इसे हटा देते हैं। तो हमें जो चाहिए होगा वो ऑप्शन आपको जितना चाहिए इतना यहाँ पर आ गया, अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। बस हमने यहाँ से तीन आइटम्स हटाए। यहाँ से भी हम ये जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है, हमें बार बार चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए, ये मार्केट वॉच, इसको हम यहाँ पर लेफ्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं और ये जो मार्केट वॉच है इस पर हम हाईलाइट करते हैं और अप करते हैं तो ये कॉर्नर पर आ गया। अब इसे हम हटा देते हैं। जो मेरा सेटिंग है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से हमने चार्ट को अच्छा किया, अब यहाँ से हम इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में भी मेंशन करेंगे जो हमें बेसिक शुरू में चाहिए होता है। बाद में जब मैं एडवांस बनाऊंगा उस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी जो ट्रेड करने के लिए जितना अभी मैं भी यूज करता हूँ उसका बेसिक आपको बताता हूँ। तो ये मार्केट वॉच हो गया, या इससे पहले हम यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं, आप यहाँ से भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर ट्रेंड के इंडिकेटर्स हो गए, बाकी के इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से जाइए तो आपको आसान होगा। इंसर्ट पर जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, इंडिकेटर्स शुरू में मिलेगा, इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स के लिस्ट मिल जाएंगे। जो आप बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर टॉप में आ जाएंगे बाद में जब आप बार बार यूज करेंगे, और जो अभी शुरू में यूज करेंगे तो यहाँ ट्रेंड से शुरू होता है, जो ट्रेंड के इंडिकेटर्स होते हैं जैसे बुलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, पैराबोलिक सार, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम ज़्यादा यूज करते हैं ट्रेंड में, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो हम सबसे पहले मूविंग एवरेज, जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है मूविंग एवरेज, वो हम यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे 50 पीरियड का, जो 14 बाय डिफॉल्ट होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे, हटा के बैक स्पेस करके 50 लिखना है और ये सिंपल लगा हुआ है। मूविंग एवरेज सिंपल होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, स्मूथ होता है, लीनियर होता है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल कीजिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पर कीजिए। और ये जो कलर होता है ये अभी बाय डिफॉल्ट रेड पर है, इसको येलो कर दीजिए। मैं ये यूज करता हूँ, ये बता रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर इसको चूज कर सकते हैं। येलो हमने रखा और यहाँ से ये थिकनेस थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये सेकेंड लास्ट कर देते हैं, थोड़ा मोटा दिखेगा। ये देखिए इंडिकेटर दिख गया, आपको लगता है ज़्यादा मोटा है तो आप वहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर रखिए, मूविंग एवरेज दिखाएगा, डबल क्लिक कीजिए वहाँ से, थोड़ा इसको हम पतला कर देते हैं। ये देखिए ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लग गया। अब हम और एक इंडिकेटर यूज करेंगे मूविंग एवरेज ही, दो मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, फिर हम जाएंगे इंसर्ट पर, इंडिकेटर पर, ट्रेंड पर और उसके बाद मूविंग एवरेज। ये हम रखेंगे 21 का, ये फिल्टर करने के लिए सिग्नल, और इसे भी हम एक्सपोनेंशियल करेंगे। और जो कॉलर है इसको हम थोड़ा ग्रीन जैसा रखेंगे, लाइम भी रख सकते हैं, और ये एक्वा हो गया, ये रखिए, ये मैं रखता हूँ, अच्छा दिखता है। और उसके बाद ये जो थिकनेस है, जो हमने थर्ड लास्ट सेलेक्ट किया था वही बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा एक बार करने के बाद, अगर नहीं होता है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये आ गया। हम यूरो यूएसडी चार्ट पर पहले हम इंडिकेटर लगाते हैं, फिर बाकी के चार्ट्स हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाते हैं, सेव करेंगे वो करते हैं। तो हमने मूविंग एवरेज रखा। ये मूविंग एवरेज का काम ये होता है, अगर ये ऊपर येलो है और नीचे 21 पीरियड का है, ज़्यादा का ऊपर कम का नीचे, 50 का ऊपर 21 का नीचे, ये होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड पर जाता है। यहाँ पर जहाँ सिग्नल बनते हैं वहाँ हम सेल करते जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से सिग्नल फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक और इंडिकेटर यूज करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, इंडिकेटर पर जाएंगे, उसके बाद ओसिलेटर, वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला ओसिलेटर है स्टोकास्टिक ओसिलेटर। आप यहाँ से RSI भी लगा सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स,
ये भी लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ से ओसिलेटर यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट 533 का होगा, इसे हम 12 का रखेंगे और ये स्लोइंग है 4 का रखेंगे और ये डी पीरियड है ये 3 का, 12 4 3। अब इसमें से हम सिग्नल देखेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक है। जहां पर ये नीचे से ऊपर जाता है यहां पर हमें अच्छा रिवर्सल कैंडल मिलता है, हम सेल करते हैं। ये देखिए ऊपर गया, यहां तक तो नहीं गया, यहां गया और यहां रिवर्सल कैंडल मिला, सेल किए। अब ये यहां पर ऊपर जा रहा है 80 के लाइन पे, 20 के लाइन से, अब हमें यहां रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, बाई इसके नीचे हम बाई नहीं करेंगे, दो मूविंग एवरेज के नीचे बाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने, ये बेसिक हमने रख लिया इंडिकेटर्स। आप और भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसको हम यहाँ थोड़ा नीचे कर देते हैं, आप यहाँ पर रखिए, या बॉर्डर को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा थोड़ा छोटा कर लीजिए, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, कैंडल हमें बड़ा देखना है। तो ये हमने कर लिया, अब हमारा यही है, इतना इंडिकेटर लगाना है, मेन इंडिकेटर जो जिस पर मैं एनालिसिस करता हूँ। अब हम इसको सेव करेंगे ताकि दूसरा, ये यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, वो सब कैंडलस्टिक पर ये बाय डिफॉल्ट यूज करने के लिए, ये देखिए ये ऊपर वाले लाइन पर जाने के बाद बेरिश एंगलफिन बन रहा है, अभी तो ये एक मिनट का कैंडलस्टिक है, अब एक मिनट के लिए यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर ओवरबोर्ड जोन पर, ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर ओवरबोर्ड जोन पर चला गया है, ये देखिए अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बाई और सेल कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ये अच्छा कैंडल नहीं बना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनता, थोड़ा नीचे तक बनता, थोड़ा हैवी कैंडल बनता तो नीचे ही जाता, अभी भी नीचे जाएगा क्योंकि ये ओवरबोर्ड जोन पर है। तो ये एक मिनट का है, तो हम इसे एक घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक घंटे में भी ये देखिए बेरिश से यहाँ से नीचे से ऊपर गया लाइन, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिला, नीचे गया, अब यहाँ पर भी हमें रिवर्सल कैंडल मिला है एक घंटे का। अब ये दो तीन घंटे, तीन चार घंटे मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरबोर्ड जोन पर ये सिग्नल दिया था। ये बाद में हम सिग्नल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखेंगे, अभी हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए ये टेम्पलेट है, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये टेम्पलेट, टेम्पलेट्स है, इसको क्लिक कीजिए, इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो हम ये सेव करेंगे और बाकी के ये सब हटाएंगे, एक ही रखेंगे। यहाँ पर हमने सेव टेम्पलेट पर क्लिक करना है, ये ADX का है, आप इस पर एनालिसिस करेंगे तो इसका टेम्पलेट बना लीजिए, अभी सारे डिलीट कर दीजिए, मैं एक ही रखता हूँ, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और डिलीट करते जाइए। ये बुलिंजर बैंड का है, इस पर आप बनाएंगे, बाद में हम अपना बाय डिफॉल्ट सेव भी कर सकते हैं, नया स्ट्रेटेजी बनाकर यहाँ पर उसी वैसा ही चार्ट आपको ओपन होगा, पीवोट का है, अभी हम डिलीट कर देते हैं, बस एक रखेंगे, पॉपुलर या कुछ नाम दे दीजिए, मैं पॉपुलर नाम देता हूँ जो मैं बार बार यूज करता हूँ। देखिए ये पॉपुलर है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा फाइल नेम में पॉपुलर, तो इसे हम सेव कर देते हैं। Do you want to replace it? Yes. अब ये सेव हो गया, अब जितना भी चार्ट आप ओपन करेंगे, यहाँ जाएंगे, पॉपुलर क्लिक करेंगे, बस यही सेटिंग का चार्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ जाते हैं मार्केट वॉच पर, यहाँ पर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, आप कोई सा भी चार्ट ओपन कीजिए, ये अभी यूरो यूएसडी लगा है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ओपन हो गया AUD USD का। अब इसको हम यहाँ से नीचे, आपका यहाँ पर सारे चार्ट्स आ जाएंगे, यूरो USD है, AUD USD, इसको भी हम यूरो USD जैसा बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ क्लिक करते हैं, जाते हैं हम टेम्पलेट पर और पॉपुलर पर क्लिक कर देते हैं, देखिए वही बन गया यहाँ पर, देखिए जितना भी चार्ट्स आप ओपन कीजिए और यहाँ जाइए और पॉपुलर पर क्लिक कर दीजिए, वैसा ही सेटिंग का आ जाएगा। और ये IC मार्केट आपको मैं एक ही चार्ट पर दिखाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, दो चार्ट्स ओपन करते हैं, आप बहुत सारे चार्ट्स भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम ये दो चार्ट्स हैं, हम यूरो यूएसडी पर देखते हैं, इसमें हम ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, होरिजेंटल लाइन कैसे लगाते हैं, वर्टिकल लाइन कैसे लगाते हैं, चैनल कैसे यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वो कैसे यूज करते हैं, वो बेसिक सीखेंगे। अब मैंने ये आपको ये रेकमेंड किया डे ट्रेडिंग के लिए, जो आप
पांच मिनट 15 मिनट्स पे एनालिसिस करके ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका स्प्रेड जीरो बराबर का है, स्प्रेड ही नहीं है। जैसे यूरो यूएसडी पर देखिए, ये यूरो यूएसडी लगा है, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और देखते हैं यूएसडी में स्प्रेड कितना है। तो स्प्रेड चेक करने के लिए आप यहाँ जाइए, राइट क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज पर जाइए। यहाँ जाने के बाद आपको ये कॉमन जो दिख रहा है उसको क्लिक कीजिए और सो आस्क लाइन ये क्लिक कीजिए और यहाँ ओके कीजिए। यहाँ पर स्प्रेड कितना होगा, यहाँ दो लाइन आ जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं यूरो यूएसडी का ये बीड और आस्क है, इसका बीच का डिफरेंस जो होगा वो स्प्रेड होगा। शुरू में आप ट्रेड करते हैं जो माइनस दिखाता है वो होगा। तो अभी हम यहाँ से कैसे देखेंगे, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यानी अभी यहाँ आपको पांच मिनट में स्प्रेड नहीं दिख रहा है। एक मिनट पर देखते हैं, एक मिनट में भी नहीं दिख रहा है, यानी ये जीरो है। कभी कभी आपको दिखेगा, देखिए एक मिनट पर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा बोला था मैंने, अभी ये नीचे जाएगा, यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। तो एक मिनट पर स्प्रेड इसका जीरो है। आप यहीं बाई सेल करेंगे तो आपको जितना प्रॉफिट लॉस होगा वहीं से शुरू होगा, शुरू में माइनस नहीं होगा। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका टर्मिनल है, इसको क्लिक कीजिए या कंट्रोल टी कर दीजिए या इसको टर्मिनल पर क्लिक कीजिए। जो आपका बैलेंस होगा यहां पर दिखाएगा, शुरू में हमने $200 डेमो पर लिए थे वो यहाँ दिखाएगा। आप $1000 लेते हैं, 10000 लेते हैं, आपको यहाँ दिखाएगा, ठीक है। ये बैलेंस दिखाएगा, आप ट्रेड करने के बाद भी प्लस माइनस आपका कितना है ये यहाँ पर दिखाएगा। इसको अभी हम काट देते हैं, टर्मिनल में जाके देखना है या कंट्रोल टी करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये मार्केट वॉच है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं, ये आपको बहुत सारे करेंसीज हैं, कॉमोडिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, ये हमें सारे नहीं चाहिए। इसमें हम 15-20 ये टॉप जो करेंसीज हैं उस पर हम ट्रेड करेंगे, बाकी का यहाँ से हाइड कर देंगे। तो स्प्रेड देख रहे थे, देखिए मैंने एक मिनट पर बोला था ये नीचे जाएगा, ये मेरा एनालिसिस यहाँ पर ये सिग्नल दिया था और ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे जाकर यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बना था। तो यहाँ से मार्केट मैंने बोला था यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये गया बात करते करते एक मिनट पर। इसी तरह आपको 15 मिनट पर सिग्नल मिलता है, 5 मिनट पर सिग्नल मिलता है, उतने टाइम फ्रेम पर आप यहाँ से सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक मिनट पर तो ये स्प्रेड जीरो है। अब जीबीपी यूएसडी का देखते हैं, ये देखिए एक मिनट पर जीरो है। कभी कभी आपको जब मूवमेंट होता है, जब वोलेटाइल जैसा होता है तब स्प्रेड दिखता है, देखिए अभी जीरो है, ठीक है। अभी अभी देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, 0.01 दिख रहा है। एक पीप के लिए आपको एक पीप, दो पीप, इंटरनेशनल मार्केट में दो पीप का स्प्रेड होता है तो वो डे ट्रेडिंग के लिए मुश्किल हो जाता है। दो पीप का मतलब होता है आपने यहाँ पर रखा पीप देखने के लिए, ये जो प्लस है यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ मार्केट चल रहा है, यहाँ से देखेंगे 20 होना चाहिए दो पीप के लिए। देखिए बाकी के आपके ब्रोकर्स यहाँ दो पीप के स्प्रेड लेते हैं, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बीच का आपका माइनस दिखाएगा। इसमें ट्रेड कीजिए, अभी तो बहुत कम 0.01 है। कभी कभी ये जैसे यहाँ भी आपको बहुत कम नेग्लिजिबल माइनस दिखाएगा, ये तो एक मिनट पर है, पाँच मिनट पर तो आपको स्प्रेड ही नहीं दिखेगा। जब मूवमेंट कर रहा होगा तब दिखेगा, नहीं तो अभी नहीं दिख रहा है, देखिए। तो इस तरह से हम, ये स्प्रेड बहुत कम है, इसलिए डे ट्रेडिंग के लिए ये मैंने आपको रेकमेंड किया। आप दूसरे ब्रोकर्स भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जो टॉप फोर है उसमें से किसी से कीजिए। यूएसडी कैट भी देखिए जीरो स्प्रेड है, यूएसडी जेपीवाई देखिए जीरो स्प्रेड है। आप यहाँ जाएंगे एक मिनट पर देखेंगे तो थोड़ा सा जब मूवमेंट कर रहा होगा तब स्प्रेड दिखेगा, नहीं तो अभी भी जीरो है। देखिए एक मिनट पर भी जीरो है, यानी आप एक मिनट का, पाँच मिनट का कैंडलस्टिक से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब यूएसडी सीएचएफ में आपको थोड़ा सा दिखेगा, ये थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन पाँच मिनट में ये आपको नहीं दिखेगा। अभी तो ये बड़ा है रखा हूँ तो दिख रहा है, ये हटा दीजिए नहीं दिखेगा। जब बड़ा स्क्रीन करेंगे आपको एक मिनट में भी कभी कभी दिखेगा। अभी देखिए एक मिनट है, इतना नेग्लिजिबल है। इसको हम दो पीप, इंटरनेशनल दूसरे ब्रोकर्स दो पीप लेते हैं, दो पीप का मतलब होता है 20, ठीक है, दो पीप्स, इतना स्प्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर स्प्रेड क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए आईसी मार्केट में आप ECN True पर ही ये आपको
स्प्रेड कम लगते हैं, बहुत कम आपको कमीशन लगता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, स्प्रेड जीरो के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हम इसे 5 मिनट पर रखते हैं या 15 मिनट पर रखते हैं। अब एनालिसिस करने के लिए आप 5 मिनट पे रखते हैं या 1 मिनट पे रखिए, जितने भी मिनट पर रखिए, ये यूएसडी सीएचएफ लगा है, ठीक है, यूएसडी सीएचएफ लगा है। अब यहाँ से हम ये जो आइटम्स है इसके बारे में बहुत बेसिक हम बात करेंगे। यूरो यूएसडी पर देखते हैं या इसी में देखिए, इसमें थोड़ा स्प्रेड दिख रहा है, यूरो यूएसडी में स्प्रेड जीरो होगा, देखिए 1 मिनट पर अभी जीरो है। तो ये हो गया मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में आप बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हमें यहाँ कुछ आइटम्स चाहिए, बहुत नहीं चाहिए। पहले हमने यहाँ पर यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, और ये कुछ हम ओपन कर लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई, ये टॉप करेंसीज को हम ओपन करते हैं जिसमें स्प्रेड बहुत ही कम होता है। हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कहीं भी, यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑल करेंगे, ये देखिए सारे हाइड हो गए, कुछ यहाँ पर हमने जो ओपन किए थे वो है, बाकी हाइड हो गए, ठीक है। ये इस तरह से हमने यूरो यूएसडी पॉपुलर किया, जो हमारा सेटिंग है बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग पर सारे चार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इतने चार्ट्स नहीं चाहिए, ये जो रखना है वो रखिए, बाकी आप जो नहीं रखना है मत रखिए। ये मैंने हाइड करने के लिए आपको सिखाया था। हम 4 चार्ट्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ट्रेंड में कितना अच्छा से जा रहा है जीबीपी यूएसडी, ये दोनों लाइन के नीचे है तो नीचे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये अब फिर आप हाइड करेंगे और कुछ हाइड हो जाएंगे यहाँ से, सो ऑल हाइड, ऑल हाइड हो गए, जो 4 हमने ओपन किए हैं ये है। अब आपको यहाँ से और चाहिए तो आप सो ऑल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, सिंबल्स पर जाइए, ये जो फॉरेक्स मेजर्स है आपको जो चाहिए यहाँ टिक कीजिए, यूएसडी कैड चाहिए टिक कीजिए, ये आपको येल्लो कलर का हो जाएगा, तो ये येल्लो कलर का होते ही यहाँ आ जाएगा यूएसडी जेपीवाई, देखिए यहाँ आ गया। इस तरह से आप ये फॉरेक्स माइनर है ये भी कर सकते हैं, जो जो चाहिए आप चूज कर सकते हैं। मेटल्स हैं, एक्सएयू यूएसडी किधर है, एक्सएयू यूएसडी, ये गोल्ड हमें चाहिए होता है, हमने गोल्ड किया, बाकी हम इस पर ज़्यादा नहीं करते हैं। जो ये फ्यूचर्स है, कॉमोडिटीज है, ये यहाँ से आप ये भी चूज कर सकते हैं। आपको क्रूड ऑयल चाहिए, ये कॉमोडिटी में क्रूड ऑयल आप ये भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये हमने ये किया, ये सब हमें जो चाहिए हमने वो किया, ये आपका मार्केट वॉच से देखते हैं। उसके बाद जो हमें चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नेविगेटर हो गया, ये चाहिए टर्मिनल, आपका बैलेंस कितना है, आपने ट्रेड क्या किया वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद न्यू ऑर्डर है, आप यहाँ से ट्रेड लेने के लिए न्यू ऑर्डर में क्लिक करके आपको बाई करना है सेल करना है, वो यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। यहाँ आपको वॉल्यूम चूज करना है, बाय डिफॉल्ट 1 लॉट का होता है, आपका $200 बैलेंस होगा तो 1 लॉट का कभी मत कीजिएगा, 0.1 का कीजिएगा, ठीक है, 0.1 का कीजिए। आप अभी डेमो में करते हैं, हम 5 मिनट का एनालिसिस पे करते हैं तो 0.1 कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसको डिलीट करके 0.1 लिख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये स्टॉप लॉस है, जैसे मैं यहाँ पर टेक्निकल ट्रेडिंग सिग्नल पे, मैं बहुत दिन से यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दिया हूँ लेकिन कल से शुरू करूँगा, आईसी मार्केट का देखकर मैं एनालिसिस करके आपको ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा। जैसे यहाँ पर ये हमने कौन सा करेंसी खोला है, जीबीपी यूएसडी, चलिए जीबीपी यूएसडी पर देखते हैं। यहाँ ट्रेडिंग सिग्नल पर जाइएगा और कल से आपको यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे। ये यहाँ पर ये डाउन जाएगा, ये मैंने यहाँ पर बताया है क्योंकि इसने यहाँ पर ये अप पर गया था और बाकी के मैंने एनालिसिस किया था इसलिए डाउन कर दिया था। आपका ये सेल एट इतना ये लिखा है तो आप ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, यहाँ आते ही आप सेल कर दीजिए, या फिर आप लिमिट भी लगा के छोड़ सकते हैं, वहाँ पर आने के बाद आपका सेल ले लेगा। और उसके बाद टारगेट हमारा ये होगा, इतना का टारगेट है, इसको कॉपी कर लीजिए,
और ये जो हमारा यहाँ होगा यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट नहीं होगा यहाँ से आप इसे स्टॉप लॉस कितने का है वो लगा सकते हैं। ये हमारा टारगेट था, यहाँ एक बार क्लिक कीजिए, जो अभी रनिंग मार्केट है उससे थोड़ा सा नीचे का टेक प्रॉफिट आपको दिखाएगा, तो वो जहाँ पर जितना रखा है उतना यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और ये कर दीजिए। हम यहाँ पर अभी मार्केट को सेल करते हैं और जो स्टॉप लॉस है आपको यहाँ पर कितने का स्टॉप लॉस दिखाया है उसको यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके वो थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस रख लीजिए और आप यहाँ पर सेल पर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारा सेल हो गया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये टीपी यहाँ पर, ये टीपी यहीं का है, बहुत नज़दीक का है, इसको थोड़ा हम दूर कर देते हैं। यहाँ क्लिक करके स्टॉप लॉस हम थोड़ा दूर कर देते हैं, अभी टच कर देगा ये, यहाँ का स्टॉप लॉस किया। अब हम यहाँ पर जाके टर्मिनल पर देख सकते हैं, देखिए हमारा 1.30 माइनस है, ठीक है 1.30 ये माइनस है, हमने यहाँ पर सेल किया है। सेल करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया इसलिए यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, और आप जहाँ सेल करेंगे आके देखेंगे तो आपको माइनस बहुत कम नेगलिजिबल दिखाएगा, 0.1 लॉट का हमारा ये ट्रेड है। तो यहाँ पर जब मार्केट जाएगा, यहाँ पर जब मार्केट जाएगा हमें ये निकाल देगा, तो इसको हम बराबर कर देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं। शुरू में आपको ये आई एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशन ओके करना पड़ेगा, बाद में आपको नहीं करना पड़ेगा। ये नीचे आ गया, जितना हमारा स्टॉप लॉस है उतना हमारा टारगेट होगा, ये हमने यहाँ पर सेट किया। तो ये आप यहाँ से भी बाई सेल कर सकते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में एक डाउन एरो दिखा रहा है यहाँ में जाने के बाद आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये थोड़ा सा मार्केट नीचे है तो अभी हमारा लॉस नहीं होगा शायद, ये देखिए प्रॉफिट पर है 80 सेंट, इसको 1.50 प्रॉफिट पर है, इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये क्लोज हो गया, देखिए 90 सेंट का हमें प्रॉफिट हुआ अभी के अभी। ये मैं दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए ये किया था, ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है, यहाँ पर हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है यहाँ सेल कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से सेल किया, अच्छा ये 0.1 लॉट है, मैंने जो लिवरेज था वो कम रखा है, आपका रिक्स ना हो इसलिए उसको मैंने कम किया था 0.,  इसलिए ये ज़्यादा नहीं देगा 0.01 या चलिए 0.01 का हम यहाँ सेल करते हैं। ये देखिए सेल हो गया, जहाँ का वहीं लिया है, सेल हो गया। इसको हम कम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 5 मिनट पर हमने ये यहाँ पर सेल किया, तो इसको यहाँ डबल ऐसे सेल करते हैं, तो इसको यहाँ फिर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आप स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर देख के। तो अभी के लिए हम यहाँ पर, ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये स्टॉप लॉस कॉपी दिखाएगा, यानी थोड़ा ऊपर का देगा, यहीं का नहीं देगा, थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, अभी इसे टच कर देगा नहीं तो अभी। और ये टेक प्रॉफिट है थोड़ा नीचे का, एनालिसिस करके कहाँ कहाँ होगा वो कीजिए, फिर मॉडिफाई पर क्लिक कीजिए, ये स्टॉप लॉस है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, और ये टेक प्रॉफिट है, अभी तो माइनस दिखाएगा क्योंकि अभी मार्केट जहाँ हमने सेल किया वहीं था, थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी 15 सेंट का हमें माइनस दिखा रहा है, ये थोड़ा नीचे आएगा प्रॉफिट पर ये दिखाएगा। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम, ये टर्मिनल हो गया, न्यू ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया, ये चार्ट्स के टाइप्स हैं, बार चार्ट्स है जो आपको इस तरह से बार में दिखाएगा, ये कैंडलस्टिक चार्ट्स है, कैंडलस्टिक पर दिखाएगा, और ये लाइन चार्ट है जो लाइन पर दिखाएगा। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट पर एनालिसिस करते हैं, और ये जूम प्लस करने का, जूम माइनस करने का, और ये स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड में स्क्रॉल करने का, और ये स्क्रॉल द चार्ट फ्रॉम राइट बॉर्डर, जो राइट का बॉर्डर है वहाँ स्क्रॉल करने का, अभी स्क्रॉल नहीं है, अभी क्लिक नहीं है। ये ऐसे में क्या कर सकते हैं, आपको परेशानी होगा, ये लास्ट में जाके बैठेगा, और या फिर आपने ऐसा इधर एनालिसिस करने के लिए पीछे देखा तो आपको ये यहाँ पर ऐसा रहेगा, तो हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में स्क्रॉल कर देगा, ये कर दिया। अब ये राइट साइड में भी कॉर्नर पर है, जब ये मार्केट आगे और जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा परेशानी होगी देखने में, एनालिसिस करने में, तो ये जो
राइट साइड में शिफ्ट करने का है बॉर्डर, उसको भी हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद दोनों क्लिक किया हमने, यहाँ आपको डाउन एरो दिखाएगा चार्ट शिफ्ट का, वहाँ पर रखिए कर्सर। जब आपको चार्ट शिफ्ट दिखाएगा वहाँ लेफ्ट क्लिक कीजिए और ये पूरा राइट जहाँ तक जाता है वहाँ तक इसके ले जाइए। ये ले जाने के बाद अब क्या होगा, मार्केट जितना भी आगे जाएगा, जितना भी आजकल जब भी आगे जाएगा, जब भी आप ओपन करेंगे ये यहीं पर होगा, ये इधर शिफ्ट होते जाएगा, ये यहीं पर होगा। लेकिन आप पीछे एनालिसिस करेंगे, दोनों क्लिक करके रखे हैं तो ये पीछे एनालिसिस करने के लिए नहीं देगा, ये एनालिसिस करने को आप ट्राई करेंगे तो बाद में ये क्या करेगा, इधर ही यहाँ पर ही स्क्रॉल करके इसके लाइन पर ये ला देगा। तो उसके लिए ये लेफ्ट साइड का अनटिक करना है और ये पीछे जाके एनालिसिस करना है। इस तरह से पीछे जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में कैसा होगा। और ये इधर ले जाने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए, जब आपको एनालिसिस करना होगा तब ये हाईलाइट हटा दीजिएगा, नहीं तो आप दोनों में ये टिक करके रखिए तो आपको चार्ट यहाँ होगा। और ये इंडिकेटर का हो गया, ये टाइम का हो गया, यहाँ से भी हम टाइम चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको आसान है। ये टेम्पलेट्स हो गया और ये एरो हो गया इधर लाने के लिए, और ये पीप नापने का हो गया कहाँ तक आपका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस कहाँ का होगा। और ये वर्टिकल लाइन है, जैसे आप यहाँ से एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लग जाएगा, आप जिधर भी ले जाइए ये यहाँ रहेगा, यहाँ से आपका एनालिसिस होगा। या फिर आपको वर्टिकल लाइन कभी चाहिए होगा आप यहाँ से लगा सकते हैं, और जब डिलीट करना होगा डबल क्लिक कीजिए इस पर और यहाँ राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए ये वर्टिकल। ये होरिजेंटल लाइन हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये रेट का हम रेजिस्टेंस देखते हैं, इसको यहाँ डबल क्लिक कीजिए, होरिजेंटल लाइन प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये लगा लीजिए या फिर जैसा भी लगा लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ये यहाँ पर आपको ओपन दिखा रहा होगा, इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये इधर उधर नहीं जाएगा। इस तरह से आप होरिजेंटल लाइन का यहाँ सपोर्ट रख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट रख सकते हैं, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट को आप ग्रीन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए और इसको आप लाइम कर सकते हैं, ये सपोर्ट हो गया। यहाँ पर आपको वाइट दिख रहा है, डबल क्लिक कीजिए ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये हटा देते हैं। तो ये अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, दूसरा चार्ट पर आपको मैं दिखाता हूँ, वो थोड़ा यहाँ पर हमारा जो बाई सेल का लगा था इसलिए आपको यहाँ पर अभी देख सकते हैं हम कितना प्रॉफिट माइनस है, 20 सेंट 26 सेंट्स लॉस पर है, क्योंकि यहाँ पर हमने खरीदा था, सेल किया था, मार्केट यहाँ पर है। यहाँ पर जाएगा बाय डिफॉल्ट अपने आप ये निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पर टच करेगा तो ये हमें लॉस पर निकाल देगा, ये रेजिस्टेंस पर हम ये लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं यूरो यूएसडी पे, यहाँ से आप ये हो गया वर्टिकल लाइन होरिजेंटल लाइन, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन हम यूज करते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए ट्रेंड लाइन, ट्रेंड देखने के लिए कैसा ट्रेंड है। जहाँ से आप डाउन को देखेंगे तो यहाँ रखिए पहला, और उसके बाद इसको पहले हटा देते हैं, ट्रेंड लाइन पर क्लिक कीजिए, यहाँ रखिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए माउस का, उसके बाद राइट क्लिक करके आप नीचे तानिए। देखिए ये एक टच, दो टच, तीन टच, यहाँ चार टच, जहाँ टच हुआ वहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ मार्केट फ्लैट हो गया। इस तरह हम ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, डबल क्लिक किया हटा दिया। ये चैनल है, मार्केट चैनल पर चलता है, तो इसको भी चैनल हम यूज करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और जहाँ से आपको चैनल ड्रॉ करना है वहाँ ले जाइए इसको, उसके बाद लेफ्ट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके तान दीजिए, ये चैनल पर मार्केट चलेगा। ठीक है, चैनल को रेस्पेक्ट करके मार्केट आगे को जाएगा। तो यहाँ पर हमने एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट को मत छोड़िए और राइट वाला आपको जो भी हाई को टच करना है वहाँ लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद ये आप पहले यहाँ ऊपर रख लीजिए, ऊपर का मिला लीजिए, नीचे ऊपर करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये टच 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 टच, तो और यहाँ क्लिक करके इसको नीचे ले जाइए, तो मार्केट क्या होगा, यहाँ जाएगा नीचे, इस पर आएगा टक्कर खाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ टक्कर खाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ टक्कर खाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा ऊपर जाएगा। अब इसने चैनल ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर जा सकता है, ऐसा
एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आपको फिबोनाची लेवल्स होते हैं वो लेवल से मार्केट रिजेक्ट होते हैं और मार्केट ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ का लेवल आपको देखना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ और मैं थोड़ा ये लेफ्ट कर देता हूँ। ये इसका हाई और लो, ये जो हाई है यहाँ पर क्लिक कीजिए फिबोनाची में, ये जो हाई है यहाँ रखिए और इसको डाउन नीचे की ओर खींचिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये जो लेवल इसका हमने हाई कनेक्ट किया लो कनेक्ट किया। अब ये लेवल है डाउन ट्रेंड के लिए, ऊपर से नीचे हम कनेक्ट करते हैं 23.6। ये मेन वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड करते हैं लोग इसको एनालिसिस करते हैं, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है। अभी मैं यहाँ से इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, बाद में मैं पॉपुलर कर दूंगा तो आ जाएगा, देखने में आसान होगा। तो हमने ये यहाँ से यहाँ का कनेक्ट किया, तो हम यहाँ से पीछे का नहीं देखेंगे, जहाँ लो कनेक्ट किया उसका पीछे का नहीं देखेंगे, यहाँ से मार्केट कहाँ से रिजेक्ट होता है वो देखेंगे। पहला 23.6 रिजेक्ट नहीं हुआ, 38.2 नहीं हुआ और ये 50% से रिजेक्ट हुआ, 50% से ये रिजेक्ट हुआ, नीचे भेजा, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार जैसा बना और यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इस तरह से हम 61.8 यहाँ से भी रिजेक्ट होता है। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, बाद में इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा तब आपको डिटेल में बताऊँगा। तो हम ये वर्टिकल लाइन भी हटा देते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हो गया। और उसके बाद ये आपका यहाँ से टैक्स है, आपको सेल करना है या बाई करना है, जो भी करना है आप यहाँ लिख के रख सकते हैं या और भी कुछ लिख सकते हैं। अभी हमने सेल का लिखा, रेट पर हमने रखा और इसको हमने थोड़ा मोटा किया 32। ये देखिए सेल लेवल, ये मेरा सेल लेवल है, इसका यहाँ आता है ओरिजिनल लाइन यहाँ आता है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। ये याद करने के लिए हम लिख सकते हैं, इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर एक एरो वाला नहीं दिख रहा है तो एक मैं और हटा देता हूँ यहाँ से, जो हमें नहीं चाहिए उसको मैं कस्टमाइज पर जाकर, ये न्यू ऑर्डर चाहिए, स्ट्रैटेजी टेस्टर ये नहीं चाहिए, रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए आ गया और एक नेविगेटर, ये डाटा विंडो इसको रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए आ गया। अब यहाँ से हम अप डाउन का एरो देख सकते हैं, ये डाउन का देखते हैं मार्केट नीचे जाएगा, तो हम ये डाउन का एरो थोड़ा यहाँ से थिकनेस बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये लेवल से नीचे जाएगा, तो ये लेवल पर हमने सेल किया या सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे जाएगा। उस तरह से आप ये भी देख सकते हैं, ये सब भी हम टूल्स यूज कर सकते हैं, ये बेसिक के लिए मैंने आपको बताया, ये बेसिक, ठीक है। और यहाँ से हमने चार चार्ट्स ओपन किए थे, ठीक है, ये अभी ऊपर जा रहा है, हमने 5 मिनट का एनालिसिस किया है, 1 घंटे का देखेंगे तो ये खास डिफरेंट नहीं है। 1 घंटे में ये बहुत कैंडल्स को कवर किया है, लॉन्ग टर्म के लिए ये मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, ये हमने 5 मिनट पर रखा था। तो यहाँ से हमने चार चार्ट्स ओपन किया, चार को एक ही विंडो में आप देखना चाहते हैं तो विंडोज में जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद टाइल विंडोज को क्लिक कर दीजिए। ये देखिए चार चार्ट्स यहाँ पर ओपन हो गए और जब भी आपको एक देखना होगा यहाँ जूम कर दीजिएगा, एक दिख जाएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन, इसको देखें तो ये बिल्कुल ऊपर है, अब ट्रेंड पर है क्योंकि हमें ये USD CHF है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं, ये दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर गया है। देखिए इसका काम, ये देखिए इसका, ये ऊपर से नीचे आया, ये इसके लाइन के ऊपर है और यहाँ पर देखिए ये ओवरसोल्ड जोन पर आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया यहाँ पर, ओवरसोल्ड जोन पर आया, यहाँ मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी मेन आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ टच करता है कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा, यहाँ आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो था बेसिक, शायद मैं इसमें कुछ भूल गया हूँ, जो बता नहीं पाया हूँ वो मैं जब मैं आपको एडवांस के बारे में बताऊँगा MT4 का, इसमें हम जैसे 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट्स, 1 घंटे 4 घंटे, 1 दिन, ऐसा लिमिटेड हमें टाइम फ्रेम है। आप MT4 को MT5 से भी एडवांस देख सकते हैं, 1 मिनट का है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट,
एक घंटे, दो घंटे, पांच घंटे, सात घंटे, नौ घंटे, दस घंटे, जितना भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। उसमें हम कैसे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब एडवांस बनाऊंगा उसमें मैं वो भी आपको जोड़ूंगा। बहुत सारे हैं MT4 के, लेकिन अभी अभी बेसिक ट्रेड करने के लिए जितना मैं ट्रेड करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसका मेन आपको मैंने आज बताया। जो आप बेसिक हैं आप इतना याद करेंगे तो आपको MT4 पर कोई परेशानी नहीं होगी। MT4 पर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और ये सभी इंडिकेटर्स के बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद आपको मैं एक एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कैसे हम एनालिसिस करते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए नीचे जाएगा जा रहा है, हमने GBP USD किया था, एनालिसिस इस पर किया था, GBP USD सेल किया, दोनों एक ही फॉलो करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने जहाँ सेल किया था वहीं पर आया है, वहीं पर आ रहा है। अभी हमें लॉस ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए थोड़ा ऊपर दिख रहा है, हमने यहीं पर इसे सेल किया था। तो ये हो गया, इस तरह से आप यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा बात, आपको मैंने जो बोला आप एन इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर टिक कीजिए, जो मेरा आईडी था वो टिक करके करते हैं, कल लाइव आप ट्रेड करते हैं तो उसमें करते हैं। देखिए हमारे लाइन पर आ गया, अभी मैं ये ज़्यादा लाइन है तो मैं ये प्लस पर हटा देता हूँ। इतना हमारा स्प्रेड है 6 सेंट, 5 सेंट, 0.1 पर। अगर आप दूसरा ब्रोकर से ट्रेड करेंगे, 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे तो आपको 0.1 का $2 आपको माइनस दिखाएगा, एवरेज में $2 से ज़्यादा ही दिखाएगा, कम नहीं दिखाएगा। तो इसमें ये आपको इजी है। और आप रियल जब करेंगे पहले एक हफ्ते आप डेमो पर कीजिए। और यहाँ से ट्रेडिंग सिग्नल कल से देखिए, कल से मैं बहुत सुबह से ही ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ से ट्रेडिंग सिग्नल कीजिए, फॉलो कीजिए, आप $200 का बैलेंस लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए एक हफ्ते। एक हफ्ते में आपको जितना प्रॉफिट होता है मैं जो आपको बताऊंगा, जो यहाँ पर रखूंगा एनालिसिस, एक हफ्ते में आपका डबल होने के हिसाब से मैं ट्रेडिंग सिग्नल रखूंगा, उसको आप फॉलो कीजिए, ट्रेड लगाइए। एक हफ्ते में आपको अच्छा अर्निंग होता है, उसके बाद वही आपका अकाउंट होगा, वहाँ से फिर आप लाइव ट्रेड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसी MT4 पर आपका लॉगिन, यहाँ से जाकर लॉगिन जो डिटेल है यहाँ पर आप लाइव ट्रेड का आईडी और पासवर्ड रख के लॉगिन कर देंगे तो आपका ये लाइव में कन्वर्ट हो जाएगा उसी अकाउंट से और यही MT4 से। तो आप वो मेरा जो आईडी है वो यूज करके करते हैं तो उसके बाद आप लाइव ट्रेड करने के बाद ये नीचे जाइए, कॉन्टेक्ट अस पर जाइए, यहाँ मैसेज में आपका जो आईडी है वो रखिए, उसके बाद आपका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और आपका टेलीग्राम नंबर दीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ऐड करूँगा लाइव होने के बाद। अभी डेमो में इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं होगा तो लाइव जब होंगे तब आपको मैं केयर करूँगा, वो आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, वो भेज दीजिएगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये जो हमारा ट्रेडिंग सिग्नल है ये डे ट्रेडिंग 15 मिनट का रखूंगा मैं कल से, 15 मिनट का। आप बार बार इसको चेक करेंगे 15 मिनट कब आएगा ये आपको परेशानी होगी, डेमो के लिए तो कीजिए, लाइव करेंगे तो ये इसमें रखने से पहले 5 मिनट पहले आपको मैं, क्रूड ऑयल का है तो मैं आपको जो ग्रुप होगा उस पर मैं ओपन क्रूड ऑयल चार्ट फॉर सेल या ऐसा कुछ मैसेज, इन्फॉर्मेशन, इंडिकेशन दूंगा 5 मिनट पहले। आप रेडी हो जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे ट्रेडिंग सिग्नल में, जब भी आपको आएगा 5 मिनट के बाद उस समय आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर पर बाय सेल कर सकते हैं। ये आसान होगा आप करेंगे तो, आप उस तरह से करते हैं तो ये था बेसिक MT4 के बारे में। आपने देखा, इसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फॉरेक्स में फ्यूचर है, फॉरेक्स में आप फ्यूचर बना सकते हैं। मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स में आपको नहीं ले जाता हूँ। आप फॉलो कीजिए और अच्छा ट्रेड कीजिए, अच्छा अर्निंग कीजिए। आप सभी को मेरा शुभकामना। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2-3 दिन के अंदर मैं फॉरेक्स का जो बेसिक है, स्प्रेड क्या है, लॉट्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक बेसिक के बारे में बताऊँगा। जो मेन है MT4 ये आप
सीखने के बाद वो सब बेसिक के बारे में, स्प्रेड के बारे में, लॉट्स के बारे में, ये जो बेसिक होते हैं इसके बारे में बहुत छोटा छोटा वीडियोज होंगे, 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का, वो फॉलो कीजिएगा। आप 15-20 दिन के अंदर 4-5 वीडियोज और देखेंगे तो आप MT4 में और थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।